आज चारमीनार के दामन से हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा कलीमुद्दीन बाबा साहब, चारमीनार इंचार्ज एडवोकेट मुजीबुल्ला शरीफ साहब और हमारे आनंदराव साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर चंद्रशेखर चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस लीडर हैं, हमारे अस्करी मिर्जा अस्करी बेग साहब जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर आपके दबिलपुरा, और हमारे अली भाई, अली शहबाज और हमारे मुसाफिर भाई, और असद जो भादपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, सीमा मैडम जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, तहसीन मैडम जो आपके क्या बोलते हैं सो महिला हैदराबाद महिला प्रेसिडेंट हैं, बिन मुसाफिर साहब और असलम शेख जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, हम सब यहाँ चारमीनार के दामन में आज जमा हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसका मुद्दा है हमारे राहुल गांधी जी के साथ हुई नाइंसाफ़ी और उनके डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके पीछे ऐसा क्या मकसद है मोदी का जो मोदी इतना डरा हुआ है। पहले तो मैं इस केस के कुछ टाइमलाइंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा डेट के साथ कि क्या हिसाब से ये केस के अंदर तब्दीलियाँ आई। जैसे अप्रैल 13, 2019 राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों सारे चोरों के नाम में मोदी लगा हुआ है, जैसे निर्वाण मोदी और क्या बोलते सो ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद अप्रैल 16, 2019 को बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी एक केस गुजरात सूरत में फाइल करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ में। अप्रैल 7, 2022 को गुजरात केस के ऊपर में जो केस फाइल हुआ था उस पे पूर्णेश मोदी खुद अपने ही फाइल किए हुए केस के ऊपर स्टे ऑर्डर एचसी हाईकोर्ट गुजरात से क्लेम करते हैं और हाईकोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे भी देता है। फरवरी 7, 2023 में राहुल गांधी फिर एक स्पीच में अपनी मोदी से सवाल उनके और अदानी के रिश्ते के ऊपर करते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज के अंदर अदानी का के शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया, आखिर ये किसका है और इसमें मोदी अदानी को क्यों बचा रहे हैं। उसके फौरन बाद फरवरी 16, 2023 को कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी वापस एचसी को जाते हैं और अपना स्टे ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। फौरन आप देख सकते हैं कि फरवरी 16 को जहां फरवरी 7 तारीख 2023 को राहुल गांधी जी की स्पीच के बाद फरवरी 16 यानी कि 9 दिन में ही इमीडिएटली जाके पूर्णेश मोदी साहब अपना कंप्लेन और एससी से स्टे ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। उसके बाद फरवरी 27, 2023 से इस केस की ट्रायल और हियरिंग चालू हुई। मार्च 23, 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को एक कन्विक्शन देता है, 2 साल का फुल पावर कन्विक्शन, जो आज तक ऐसा देखने में नहीं मिला, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, मगर गुजरात कोर्ट एक राहुल गांधी जी के साथ एक नाइंसाफी करते हुए उनको एक ऐसा जजमेंट 2 साल की सजा सुना देती है। मार्च यात्रा में जिस तरह राहुल गांधी गरीबों के घरों तक, आवाम की तकलीफ़ों तक पहुँचे, आवाम के पास घर घर पहुँच के उनको ये देखने को मिला कि आवाम में क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है और क्या बोलते हैं वो लोगों की तकलीफ़ को समझ सके, इससे मोदी की रातों की नींद उड़ गई। आज मोदी बौखलाया हुआ है, मोदी परेशान है कि राहुल गांधी अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे। उसी डर से, उसी बौखलाहट से आज राहुल मोदी परेशान है और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, राहुल गांधी को हैरास करने के लिए आज ये डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, ये सज़ा दी गई, और इसका मकसद कुछ नहीं राहुल गांधी को बदनाम करना है। हम सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हमारे लीडर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और आने वाले दौर में भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। हम मिलके हिंदुस्तान में लड़ेंगे, हम मिलके ये मोदी हुकूमत
के अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम मिलके नाइंसाफी के अगेंस्ट में लड़ेंगे और हम हमारे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लोगों की तकलीफ देखने वाला एक ही इंसान है, वो है राहुल गांधी। जय कांग्रेस। अब निर्मल में असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज, इसके साथ फर्नीचर और इसके साथ टिम्बर डिपो, एंगवा पेट रोड गाजलपेट निर्मल। अपने घरों और दफ्तर को मजीद खूबसूरत बनाने या शादी ब्याह के लिए जदीद तरीन डिजाइन में मजबूत तरीन फर्नीचर सेट के लिए हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, जहाँ आपको निहायत ही वाजबी दामों पर फर्नीचर दस्तियाब रहेगा। राब्ता कीजिए प्रोपराइटर शेख अहमद, फोन नंबर है 9866825279996008063। निर्मल में भी असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज, एसके साथ फर्नीचर और एसके साथ टिम्बर डिपो, वेंगवा पेट रोड गाजलपेट निर्मल।